प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की जनता को दिसंबर में दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर के पहले सप्ताह में गोरखपुर खाद कारखाना व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लोकार्पण की पूरी संभावना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रविवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के अधिकारी के साथ बैठक किया गया, जिसमें SSP डॉक्टर विपिन ताडा, CDO इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और HURL के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रोजेक्ट के वर्क प्रोग्रेस के बारे में जानकारी हासिल की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा स्थल के तैयारियों की भी समीक्षा की गई। गौरतलब है कि 16 जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्टिलाइजर खाद कारखाने का शिलान्यास किया था। अब 2021 में खाद कारखाना पूरी तरह से उत्पादन के लिए तैयार है। यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा, जिससे किसानों को खाद के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगा। ये इवेंट बहुत स्मूथली एक्सरसाइज करना चाहिए। आप सबने काफी सब इवेंट किए हैं,